जी सभी को मेरा राम राम। बहुत ही सही जगह क्लिक किया बच्चों आपने। देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का टाइप फर्स्ट। पहले टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया मैंने। देखिए ध्यान समझिएगा, मैंने आप हिंदी में भी लिख दिया। एक दो बच्चों के कमेंट आए थे वीडियो में कि हिंदी में भी लिखिए सर, मैंने ठीक है तो देखो हिंदी में लिख दिया है। ठीक है अब ध्यान से देखिएगा कि कैसे ये क्वेश्चन, देखो हिंदी मैंने खुद कन्वर्ट किया है तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। इंग्लिश की बुक थी मेरे पास तो उसमें मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है और ज़्यादा थोड़ी बहुत मॉडिफाई हुआ हो तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा। देखिए जरा, कह रहा है ए ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग पासिस अ पोल इन 15 सेकंड। एक रेलगाड़ी जो है कितने 150 मीटर लंबी है और 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। ठीक है उसके बाद अनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ, दूसरी ट्रेन उसी लंबाई की मतलब 150 मीटर की हो गई। ठीक है वो अपोजिट डायरेक्शन में आती है और वो उसे उस ट्रेन को, दूसरी ट्रेन को जो पोल को पार कर रही है उसको 12 सेकंड में पार कर रही है। तो जो दूसरी ट्रेन है जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है उसकी क्या करना है, स्पीड ज्ञात करना है। सिंपल सा लॉजिक। ठीक है दूसरी ट्रेन की ज्ञात करना है। ठीक है तो देखिए जरा क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले पहली ट्रेन की स्पीड क्या निकालेंगे, निकाल लेते हैं जो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है, मान लो एस, जो हमारी दूसरी ट्रेन की स्पीड है उसे लेट एक्स कर लो। ठीक है लिखने में जरूरत नहीं होता, समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है पहले ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी बेटा, 150 मीटर है और 15 सेकंड में पार कर रही है, 10 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको भी आप मीटर पर सेकंड लो, बाद में किलोमीटर में चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट, समझ में आ गई बात। ठीक अब रिलेटिव स्पीड क्या होता है बेटा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होता है मतलब जब कोई ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आती है उसे रिलेटिव स्पीड कहते हैं। तो हमेशा क्या करेंगे हम उसकी स्पीड को ऐड कर देंगे और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस कर देंगे। तो कंसेप्ट मैंने आपको दिया ही था। अच्छा ये चीज़ जो मैंने करी ये ध्यान समझिएगा, जब कोई भी रेलगाड़ी एक पोल को पार करती है, एक ट्री को पार करती है, एक खंबे को पार करेगी, एक आदमी को पार करेगी, तो वो अपनी लेंथ ही कवर करती है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो उसी की लेंथ होगी ट्रेन की लेंथ और टाइम 15 सेकंड ले ही रहा है वो। ठीक है तो उसकी स्पीड आ जाएगी उस ट्रेन की, पहले वाली ट्रेन की, पहले वाली रेलगाड़ी की। ठीक है रिलेटिव स्पीड क्या हो गया, एक्स प्लस 10, कोई दिक्कत, इसकी एक्स थी और इसकी 10 थी। ठीक है अब वही वाली बात है, स्पीड इक्वल टू मतलब रिलेटिव स्पीड लिख लो आर एस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम बच्चा है ना। अब एक बात बताइए, यहाँ तो लिख दिया एक्स प्लस ये, यहाँ पे बताइए मुझे डिस्टेंस कितना लूंगा भाई, जब वो दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी ना। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 150 प्लस 150 अपॉन में टाइम कितना ले रहा है वो 12 सेकंड। ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 12, ठीक इज इक्वल टू 300 अपॉन में एक्स प्लस 10 है ना। ज़्यादा से ज़्यादा काटना है तो काट सकते हैं आप इसे। ठीक है ये 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3, ठीक है और 25 चौके 100, कोई दिक्कत। एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 25, एक्स इक्वल टू कितना हो गया बच्चा 15 मीटर पर सेकेंड आ गया। ऑप्शन किस में दे रखा है बच्चा, 15 मीटर, ऑप्शन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। क्या करेंगे फिर, मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 करते हैं। ये एक फॉर्मूला दे रखा है मैंने, याद करो बचपन के दिन, 1 किलोमीटर पर आवर इस कस्ट टू 5/18 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड इस कस्ट टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ये छोटी सी बेसिक बात थी। तो अब हम यहाँ क्या कर देंगे, 5 × 3 = 15, 18 × 3 = 54 आंसर। ठीक है कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट तो बताएं। ठीक जी समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों अब तो मैंने हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है, कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर करें। ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को मेरा राम राम। ये अब फिर उसके बाद देखेंगे, अब इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप देखेंगे। ठीक चलो।